तो आज हम करने वाले हैं कंट्रोल्स को। इसके लिए आपके कंप्यूटर में डेवलपर टूल बार होनी चाहिए, ठीक है जी। डेवलपर कहाँ से आती है? एक्सेल ऑप्शंस में जाएंगे यहाँ, और यहाँ पे शो डेवलपर टैब इन, ठीक है जी। यहाँ से डेवलपर टैब आ जाता है। अब इसमें दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक फॉर्म कंट्रोल है, देख रहे हैं आप फॉर्म कंट्रोल, और एक है एक्टिव एक्स कंट्रोल। एक्टिव एक्स कंट्रोल को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक्टिव एक्स कंट्रोल जो है वीबीए में यूज होते हैं, ठीक है जी। तो आज हम यूज करेंगे फॉर्म कंट्रोल्स, जिनके लिए किसी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है, ये विदाउट प्रोग्रामिंग के यूज किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले एक लिस्ट लेते हैं, मान लीजिए ये जो है फॉर्मूले के साथ मोस्टली यूज किए जाते हैं। मान लीजिए ये लिस्ट है, जैसे हम ड्रॉप डाउन में दिखाते थे ना डेटा वैलिडेशन में, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो है कॉम्बो बॉक्स है, ठीक है जी। सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे खींच दिया। इस पे क्या करना है, मुझे राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट कंट्रोल में जाना है, ठीक है जी। सब कुछ छोड़ के बाकी किसी को कुछ नहीं देखना है, यहां कंट्रोल वाले में पहला मांग रहा है इनपुट रेंज, तो इनपुट रेंज में मैंने वो दे दिया कि जहां से पूरी लिस्ट उठानी है, लिस्ट की वैल्यू, ठीक है जी। देन ये बोल रहा है सेल लिंक, तो सेल लिंक मैं किसी भी एक सेल पे दे देता हूं, ठीक है जी। सेल लिंक का मतलब होता है कि इसका रिजल्ट कहां पे अपीयर होगा। दूसरा आ रहा है ड्रॉप डाउन लाइंस, जैसे कितनी वैल्यू एक साथ दिखाई देनी चाहिए, अगर देता हूं 10 तो 10 दिखाई देंगे मुझे। 3D शेडिंग में थोड़ा सा ये ना धसा हुआ सा आएगा, ठीक है जी। अब इसके अंदर वो लिस्ट आ चुकी है पूरी, आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहां पर दिखा रहा है नंबर। ये नंबर का मतलब क्या है कि जैसे मैंने ये डाटा सिलेक्ट किया था, तो इसमें जो है इस लिस्ट में से अगर मैं दूसरे नंबर वाला सिलेक्ट करूंगा तो 2 दिखाएगा, तीसरे नंबर का सिलेक्ट करूंगा 3 दिखाएगा, चौथे नंबर का सिलेक्ट करूंगा तो 4 दिखाएगा। मान लीजिए इनके साथ सेल्स ले लेता हूं मैं, ठीक है जी। कुछ सेल्स है इनकी, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि मेरे को इनकी क्या दिखा रहा है, इंडेक्स पोजीशन, ठीक है जी। तो मैं चाहूं ना तो एक चार्ट सा बना सकता हूं, मतलब अब मुझे वैल्यू लेने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इंडेक्स, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं कि इंडेक्स में क्या चाहिए होता है, पहले तो एरे चाहिए होता है, फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है जी। फिर चाहिए रो नंबर, जो कि हम मैच से लाते हैं, बट यहां से जरूरत नहीं है मुझे, तो सिर्फ यहां से उठानी है, मतलब जो यहां से चेंज हो रहा है तो वो यहां से उठा लेगा, ठीक है जी। तो जैसे ही मैं यहां से चेंज कर रहा हूं तो यहां पे भी वैल्यू चेंज हो जा रही है, ठीक है जी। इसको भी इसी तरह से इंडेक्स की वहां से भी ले आता हूं, इंडेक्स एरे ये वाला ले लिया, फिक्स कर दिया, और कौन सी इंडेक्स पोजीशन था, नहीं तो क्या होगा कि यहां से जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा उसकी सेल और वो दिखाएगा, ठीक है जी, दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर चार्ट लगा देता हूं, ठीक है जी, ये लगा दिया मैंने। अब चार्ट इसके ऊपर लगा हुआ है तो ये वैल्यू फॉर्मूला से बदली जा सकती है, हरीश महेश, ठीक है जी। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, इसको उठा के इसी पे ही रख देते हैं, ठीक है जी। अब क्या है कि आप यहां से सिलेक्ट कीजिए, यहां पे आपको दिखा रहा है, ठीक है जी। टारगेट भी ले लेते हैं,
दोनों में ही ले लेते हैं। अब मैं यहां से चेंज कर रहा हूं, तो ये उसका आ रहा है। अब मुझे टारगेट भी साथ में चाहिए यहां पे, तो फिर जैसे मैंने सेल्स में फॉर्मूला लगाया था वही मैं यहां लगा दूंगा। इंडेक्स यहां से ये ले लिया, फिक्स कर दिया, और रो में मैं यहां से उठा लिया कि कौन सा रो उठाएगा। ठीक है जी, अब क्या करता हूँ इस पे चार्ट लगा देता हूँ, इसको कर देता हूँ, इसको यहां से इंक्रीज भी कर सकता हूँ वैसे तो मैं। हो गया। ठीक है जी, सेल्स टारगेट दोनों आ गया। अभी क्या आ रहा है कि सेल्स टारगेट एक ही पॉइंट में दिखा रहा है, लेकिन चेंज करके इसको डिजाइन, ठीक है जी, अब सही दिखा रहा है। रो टू कॉलम में मैंने चेंज कर दिया, ये नंबर एक जैसे आ गए, इसके मैं बदल देता हूँ। यहाँ पे 56 ये भी अलग अलग डाल देंगे, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है जी, अब इसको जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वही वैल्यू यहाँ चेंज हो रही है, वही वैल्यू मेरी चार्ट में आ रही है। तो इस तरह के चार्ट्स को कहते हैं डायनेमिक चार्ट। इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, बस यहां से चेंज कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसकी एक लिमिटेशन है कि जो डाटा है वो आप कॉलम से सिलेक्ट कर सकते हैं, रो से नहीं सिलेक्ट कर सकते। ये जो लिस्ट है आप अगर रो से देना चाहें तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैंने इस पे लगा दिया चार्ट। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कंपैरिजन बनाई जा सके, तो और टूल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं अपने पास। यहाँ एक बटन का टूल है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। बटन का टूल नॉर्मली एक्टिव एक्स की तरह होता है, आप बटन लेके बना सकते हैं और इस पे आप मैक्रो असाइन कर सकते हैं, बस इतना ही काम है इसका, इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं, इसको छोड़ते हैं। चेकबॉक्स, चेकबॉक्स का कंट्रोल क्या करता है, चेकबॉक्स मान लीजिए यहाँ लगा दिया मैंने। ठीक है जी, इसका मैंने जो नाम चेंज कर दिया वर्सेस कर दिया। ठीक है जी, कंपेरिजन के लिए राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल। अब इसमें आपको बताना है कि अनचेक्ड रहेगा, चेक्ड रहेगा, मिक्स्ड, मतलब कि वो जो डॉट सा निशान आता है ना कि है भी नहीं भी वो वाला, तो मैं अभी इसको अनचेक्ड रहने देता हूँ, 3D शेडिंग दे देता हूँ, और सेल लिंक जो है इसके बगल वाला यहाँ दे देता हूँ। अब चेक्ड अनचेक्ड पे ये क्या करता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रू, अनचेक, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ठीक है जी, जब इस पर चेक करेंगे तो ये ट्रू बताएगा, ट्रू कर देगा और फॉल्स। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, सेल्स टारगेट को यहां रख देता हूं। जैसे कि हमने कॉम्बो बॉक्स यूज किया, इसी तरह एक कंट्रोल होता है लिस्ट बॉक्स। ठीक है जी, लिस्ट बॉक्स ले लिया मैंने, लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स भाई भाई हैं, दोनों सेम काम करते हैं, पर कितना है, इसमें ड्रॉप डाउन आता है, इसमें ड्रॉप डाउन नहीं आता। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं, इनपुट रेंज मैं सेम यही ले लेता हूं। ठीक है जी, सेल लिंक, सेल लिंक इसके बगल वाला दे देता हूँ। 3D शेडिंग, यहाँ पे सिलेक्शन टाइप है, मल्टी सिलेक्शन एक्सटेंडेड करवा सकते हैं, बट इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सेल लिंक में तो एक ही वैल्यू देगा, तो सिंगल ही सिलेक्शन लेने दीजिए, मल्टी सिलेक्ट ना करना। ठीक है, तो अब मेरे पास ये लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ
तो यहाँ पे मुझे उसका इंडेक्स पोजीशन दे रहा है, ठीक है जी, और ये ट्रू फॉल्स दे रहा है। तो मैंने क्या करना है कि जब मैं चेक करूं, पहले अब मैं क्या करता हूं, इसको भी एक्टिवेट करा देता हूं। ये जो डेटा आ रहा है इसके बेस पे मुझे मिलेगा, मैं इसी को ड्रैग करता हूं और इनके सेल लिंक चेंज कर देता हूं। हाँ देखिए, मैंने इनको फिक्स रखा है, बट इनका जो ये है, एक सेकेंड, रो जो ये यहां से ले रहा था मैं इधर से दिलवाऊंगा, ठीक है जी। ये दूसरे वाले लिस्ट से दिलवाऊंगा, नीचे वाले डेटा की वैल्यू, रो जो है दूसरी वाली जहां मैंने लिस्ट बॉक्स लगाया उससे दिलवाऊंगा, ठीक है जी। यहाँ पे इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया और जिसमें वैल्यू जो है यहां सिलेक्ट करूंगा तो ये आ जाएगी, ठीक है जी। अब क्या करना है मुझे कि जब मैं ये क्लिक करूं तभी वैल्यू आए, अदरवाइज ना आए, ठीक है जी, यानी कि ट्रू करूं तभी आए अदरवाइज ना आए। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यही फॉर्मूला है, इसको इफ के अंदर डाल देना है, ठीक है जी। और यहां पे, ठीक है जी, अगर यहां से ट्रू रिसीव होगा तो ये फॉर्मूला चलाएगा, अदरवाइज यहां क्या रहने देगा, ब्लैंक, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला चलाना है हमने, यहां पे भी सेम वही फॉर्मूला, इफ यहां पे ट्रू, अदरवाइज क्या करेंगे, ब्लैंक, ऐसे इसमें कर देंगे, इफ, इफ ये अगर इक्वल टू ट्रू, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स में ब्लैंक ले लेंगे, ठीक है जी। अब देखिए जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं यहाँ डाटा आ रहा है, ठीक है जी, चेक कर रहा हूं आ रहा है, हटा रहा हूं चला जा रहा है। मैंने क्या करना है, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ये जो है ना इसको ये नीचे तक खींच देना बस, ठीक है जी। अब क्या करना है, जैसे ही क्लिक करूंगा ये आ जाएगा, हटा दूंगा चला जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें कंपैरिजन देखनी है, इधर लिस्ट से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है जी, या यहां से चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें क्या करता हूं मैं, फॉर्मेट एक्सिस मैक्सिमम पे 90 कर देता हूँ, नहीं मिनिमम 0 कर देता हूँ और मैक्सिमम पे 90 कर देता हूँ, ताकि वो अलग से नाचे ना, ठीक है। ठीक है सर, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं अपना और कंट्रोल्स को देखते हैं, ठीक है। कोई सवाल है इनमें, किसी को पूछना, कोई चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नहीं सर, ठीक, ये जितने भी फॉर्म कंट्रोल है सारे इसी पे ही चलते हैं, ठीक है जी। अब एक स्पिन बटन है, ठीक है जी, ये स्पिन बटन ले लेते हैं, स्पिन बटन, स्पिन बटन भी ऐसा ही कंट्रोल है, ठीक है जी। इसमें दो ही बटन होते हैं, ठीक है जी, ऊपर दबाइए नीचे दबाइए, फॉर्मेट कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या है कि आपकी इसकी करंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है जी, वो सेट कर सकते हैं। तो जैसे इसमें है तो 1 से लेकर 4 तक चल रही है, तो 1 या वो कर सकता हूं मैं, तो मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 4,
और जब मैं बटन दबाऊं तो कितने का चेंज हुआ, एक एक करके बढ़े, दो दो करके बढ़े, दस दस करके बढ़े, तो हम यहाँ दे सकते हैं उसको, ठीक है जी। फिर इसको एक सेल लिंक दे देता हूँ, सेल लिंक कोई भी दे देता हूँ, इसके ऊपर वाला दे, यहाँ दे देता हूँ। अब क्या है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए 1 2 3 4 बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसके साथ इसको रिडायरेक्ट कर दूंगा किसी भी फंक्शन को तो ये वैसा चलेगा, ठीक है जी। मान लीजिए इंडेक्स का फंक्शन मैं इसमें लगा दूं, यहां से ले लिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल रोल ऑफ करता हूँ, कॉलम नहीं ऐसा ले लेता हूँ और ड्रैग कर देता हूँ, ये आ गया। तो जैसे जैसे मैं ये बदल रहा हूँ, यहाँ नीचे की वैल्यू बदल रही है, क्लिक कर रहा हूँ, इसको भी चार्ट के अंदर ले लेते हैं, देखते हैं। तो यहां से जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्पिन बटन भी इसी तरह ही काम करता है सेल लिंक पे। इसके बाद रेडियो बटन से, ठीक है, रेडियो स्पिन बटन के साथ ही स्क्रॉल बार भी ऐसे ही है जैसा इसमें स्क्रॉल बार में, तो स्क्रॉल बार यूज करते हैं, तो इसमें भी करंट वैल्यू आप सेट कर सकते हैं, 1 मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम 4, इंक्रीमेंटल चेंज 1। पेज चेंज की जरूरत नहीं, पेज मतलब स्क्रॉल की तरह होता है कि पेज में कितना होना चाहिए, उसको छोड़िए। और सेल लिंक कोई भी दे देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने 4 वैल्यू सेट करी है, तो ये वाला देखेंगे इसमें, यहां से ये स्पिन बटन का कॉम्बिनेशन ही है, लगा दीजिए कि जब क्लिक करेंगे एक एक, और बाकी आप स्लाइड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। स्लाइड करके यहाँ ले आए, तो जैसे जैसे स्लाइड करेंगे वैसे वैसे इसका वो चेंज होगा। तो इसमें भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ वैसे ही, को भी कनेक्ट कर देता हूं, अब ये चौथा वाला जो टाइटल है वो इससे चलेगा, स्लाइड करके भी देख सकते हैं, बेशक इसको जगह बना के अंदर कर लेते हैं। मैं चार्ट एरिया को थोड़ा सा कलर में कर देता हूं ताकि ये पहचाना जा सके, ठीक है। तो एकदम ये आपके ऑटोमेटिक चार्ट्स की तरह दिखेंगे, ठीक है जी। पूरे सॉफ्टवेयर की तरह मतलब वर्क करने लग जाते हैं इनकी वजह से,
देन आपके पास होता है, जगह बना लेता हूं, रेडियो बटन, ये जो गोल वाले होते हैं ऑप्शन बटन, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं कि इनको यहां से मैंने सिलेक्ट किया और यहां पे दे दिया, चाहे मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूं चाहे कुछ कर दूं। चार ऑप्शन बटन ले लिए मैंने, चारों को लाइन में लगा देता हूँ पहले। इसको आप ना पहले सेल लिंक दे के देख लीजिए, क्योंकि इसमें बड़ा लफड़ा होता है। आप एक सेल लिंक में ये वाला दे देता हूँ आपकी बार, ठीक है जी। ये सारे रेडियो बटन एक ही लिंक पे काम करते हैं, ठीक है जी। तो अभी ये चार दिखा रहा है मुझे, इस पे करूंगा 3, 2, 1, ठीक है जी। तो जितने ऑप्शन हैं उनको आप सेट कर सकते हैं। हाँ, इनको लगाते हुए पोजीशन जरूर ध्यान रखें कि कौन सा एक के लिए कौन सा दो के लिए, नहीं तो फंस जाएंगे इसमें। मैंने इनको वैसे के वैसे ही कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, इनका नाम चेंज करना है। इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है जी, इसको एडिट कर देता हूँ। इसको एडिट कर देता हूँ, विकास, और इसको एडिट कर देता हूँ, महेश से। ठीक है, इनको थोड़ा कायदे से बिठा लेते हैं। यहाँ पे मैं इनको ले आया, ठीक है जी। अब इन पे क्लिक कर रहा हूँ, इनका सेल लिंक आगे बढ़ रहा है, ठीक है जी। मैंने क्या करना है, फिर से वही चीज लगाता हूँ, छोटी सी चीज में ही आपको दिखा देता हूँ। आप दो तरह के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, इंडेक्स और ऑफसेट, ठीक है जी। फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ सब कुछ इंडेक्स के साथ कर रहा हूँ। ऑफसेट का, जैसा कि मैंने बताया था कि ऑफसेट जो है जीरो से वैल्यूज लेता है, जैसे इंडेक्स, इसको अगर मैं ऑफसेट में एक पॉइंट सिलेक्ट करना होता है ना, तो जैसे मैं इस पॉइंट डेटा को सिलेक्ट कर रहा था तो उसमें आपको नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए इसकी जगह मैं ऑफसेट लगा के दिखाता हूँ। ऑफसेट रेफरेंस में मैं कौन सा दे दूंगा, टॉप वाला पॉइंट, ठीक है जी, ऊपर वाला। अब रोज की जगह पे वो दे सकता हूँ, क्या नाम है, इससे रोज ले लूंगा, ठीक है जी। क्योंकि पहली रो तो ये रेफरेंस को जीरो मानता है, फिर 1, 2, 3 इस तरह से चलता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। ओके, वहां पे इसको चाहिए कौन सा कॉलम, तो कॉलम मैं दे देता हूँ 0, उसी कॉलम से ड्रैग करूंगा। मैंने कोई भी चीज फिक्स नहीं की है, रो को तो फिक्स कर लू क्योंकि तो ये वैल्यू यहां से आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट सरकता रहेगा, तो रो कॉलम उसके हिसाब से हो जाएगा 0, ठीक है।
तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, तो इंडेक्स और ऑफसेट ही इसमें चलेंगे। ठीक है जी, अब मैं जैसे यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कोई भी, तो उसका डेटा आता है। चार्ट को फिर से खींच लूंगा इनको। तो ये इनसे हैंडल कर सकते हैं, ये जिसको देखना हो इससे। और देखते हैं और कोई कंट्रोल है इसके अंदर। रेडियो बटन हो गया, ये लेबल है, लेबल खाली लिखने के काम आता है, कोई यूज नहीं इसका। ठीक है, ये लेबल है, ये आप वैसे भी लिख सकते हैं, शेप की मदद से भी लिख सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है जी, एक और चीज है काम की ग्रुप बॉक्स। ठीक है जी, अब ये ग्रुप बॉक्स किस काम आता है? ठीक है, देखिए अभी क्या है कि ये जो मैंने रेडियो बटन लिए थे ना, एक अगर नया रेडियो बटन लेता हूं तो जैसे ये चार तक चला था ना, तो जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये पांच ले जाएगा। ठीक है जी, अब मुझे मान लीजिए दो दो ऑप्शन इन्हीं की तरह अलग से यूज करने हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पांच आ रहा है, बट इसी को उठा के अगर मैं ग्रुप बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, ठीक है जी, तो इसके लिए मुझे सेल लिंक अलग देना पड़ेगा। ठीक है जी, इसको सेल लिंक मैं यहां दे देता हूं, ये औरों से अलग हो जाता है ग्रुप बॉक्स के कारण। ठीक है जी, और इसका कोई तरीका नहीं है, ग्रुप बॉक्स आपको ही लगाना पड़ेगा। जितने आप ग्रुप बॉक्स में देंगे वो एक साथ चलेंगे, तो ग्रुप बॉक्स से बाहर होंगे वो एक साथ चलेंगे। इनका सबका सेल लिंक एक ही होता है। देखिए ये ग्रुप बॉक्स के अंदर है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ 1 2 बदल रहा है। ठीक है जी, और यहाँ वाले सेपरेटली चल रहे हैं। तो जैसे आप पॉसिबिलिटी हो कि आपको यूज करना है वैसे भी, तो जब रेडियो बटन को यूज करें तो ग्रुप बॉक्स के अंदर करें, ग्रुप बॉक्स का इतना ही यूज होता है। ठीक है, इसमें बस 3D शेडिंग कर सकते हैं, ऊपर से नाम चेंज कर सकते हैं। उनके भी फॉर्मेट कंट्रोल करके 3D शेडिंग कर सकते हैं अगर चाहिए तो, ताकि ये ओरिजिनली वैसा लगे। अब इसमें गड़बड़ हो रही है, ये डबल डबल क्लिक हो रहे हैं। अच्छा, इनका लिंक ऊपर से सिलेक्टेड है, इसका अलग जगह हो गया है, ये बाहर में। मैं क्या करता, अच्छा ये बाहर है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इसके दायरे के अंदर ही होना चाहिए। अभी भी गड़बड़ हो रहा है, यहां से ये भी बड़ा हो रहा है, इसको भी बढ़ा लेता हूं। सेल लिंक एक बार फिर से सेट कर दूंगा ताकि इसका प्रॉब्लम ना आए। एक यहां सेट कर दिया था मैंने, ओके ठीक है जी, अब सही हो गए। और इन दोनों का जो है ऊपर कर देता हूँ, ये बाहर रहेंगे तो ये बिगड़ जाते हैं। ठीक है जी, आज ये सेट है, तो ग्रुप बॉक्स का यूज भी आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, इतने तरह के कंट्रोल हमें जो इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है जी, अब आप लोगों के लिए एक टास्क है,
फाइल में जो आप मतलब अपनी छुट्टी में कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कंट्रोल्स के बारे में मैंने दिखाया आपको, फॉर्मूले आप जानते ही हैं। ठीक है जी, तो आपने बनाना है मेरा वाला ये डैशबोर्ड। ठीक है जी, ये बनाना है आपने। ठीक है जी, इसमें देखिए वही है, ग्रुप बॉक्स लगा रखा है, ये एक ही चार्ट है, ज्यादा कुछ है भी नहीं, एक ये भी है। ठीक है जी, ये आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे मैंने कॉम्बो बॉक्स यूज किया है, जहाँ पे स्टार्ट मंथ एंड मंथ ले रखा है। ठीक है जी, यहाँ पे प्रोडक्ट फिल्टर हो रहे हैं, अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये फिल्टर हो जा रहा है डेटा। डेटा क्या है, यहाँ पे डेटा, डेटा क्या है, जैसे रीजन वाइज ये सेल्स है आपने, इसमें रीजन कौन से रीजन की हुई, कौन से प्रोडक्ट की हुई, कस्टमर टाइप क्या था, सेल पर्सन मतलब किस बंदे ने सेल की, और किस मंथ में कितनी कितनी सेल हुई है। तो ये 2 साल का डेटा है। ठीक है जी, ये 2 साल का डेटा है, तो इसको आपको फॉर्मूला वर्मूला लगा के जो लगेगा वो आपने करना है। ठीक है जी, और ऐसा बनाना है, ये पीछे खाली ये है, कंफ्यूज ना हो, ये शेप्स मैंने दे रखी है। ठीक है जी, बाकी कंट्रोल से तो बना सकते हैं ये, क्या लगता है? ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो मैं आपको ये फाइल साथ में दे दूं कि आप इसको देख के बना पाए, मतलब कुछ ट्राई कर पाए। हाँ, दे देख देंगे के सर। तो फिर एक बार को हम सोच सकते हैं, बिना देखे तो मुश्किल ही है, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी इतना प्रोफेंसी लेवल नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तो आप देख के भी कर लीजिए, क्योंकि डैशबोर्ड में क्या होता है ना, वही नॉलेज रिपीट हो रही है आपकी, आपको सारे फंडे आते हैं, आप देखेंगे कुछ नया इसमें आप ढूंढ के नहीं सकते। ठीक है जी, हाँ जब आप इनको खोलना शुरू करेंगे, इसको डेटा को सारा हाँ कुछ मतलब चार्ट के देखेंगे कि चार्ट कहाँ से लगा है, कौन से डेटा से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, कंट्रोल्स के लिंक को फॉलो करेंगे तो यहाँ सब पहुंचेंगे, तो ये सब आपको पता पड़ेगा उसमें कि हर एक चीज का रीजन क्या है। अगर आप उसको पकड़ ले गए तो ये बन जाएगा। ठीक है जी, इसको ट्रेस करिएगा। ठीक है जी, तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग काम रहेगा। तो ये मैं, और ये तो मैं अभी आप लोगों को भेज देता हूँ।